उम्र में तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन यहां रिश्ते में मैं तुमसे बड़ा हूं, और इस रिश्ते को मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। तुमने खामखा ऐसे लिफ्ट कराई, हमारा बढ़ाया बार ठुकरा के चला गया वो। Come on, Fizan. दिल जो है ना मोहब्बत से जीते जाए, नफरतों से नहीं। खैर छोड़ो ना, तुम हमें देर हो रही है। तुम जानते हो तुमने सिलाई सेंटर में क्या किया? और तुम जानते हो तुम्हारे बाप ने क्या हरकत की है? जिस जगह पर मेरी इज्जत है, मेरा कारोबार है, वहां मेरी बेइज्जती के पर्चे बांट दिए उसने, और मेरी बहन की शादी के बारे में पता है क्या बकवास की उसने, और तो और तुम्हारा नाम भी घसीटा उसने बीच में। तो हाथापाई करोगे? बोलने वाले का मुंह तोड़ दोगे, देखने वाले की आंखें निकालोगे तुम? हां, इज्जत पर बात आएगी ना तो बारी बारी सब कुछ करूंगा। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इज्जत है आसर, किसी और का कारोबार, उसके नाम और इज्जत जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तुम अपने बाप की वजह से मुझसे लड़ाई कर रही हो? हाँ नहीं, मैं उन लड़कियों के लिए तुमसे लड़ रही हूँ जो वहां मौजूद थी, देख रही थी कि मेरा शौहर मेरे बाप का गिरबान पकड़ के खड़ा है, उन पे चिल्ला रहा है। वो लोग मेरे सिलाई सेंटर में कभी काम नहीं करेंगे। किसी जुलाहे की तरह एक एक धागा जोड़कर मैंने ये ख्वाब बुना था, तुमने एक झटके में सारा ख्वाब बिखेर दिया। कौन आएगा वहां पर? कौन उन लड़कियों की तरह अपनी मेहनत और लगन से अपने 10-10 घंटे मुझे देगा? माजरत चाहता हूं, माफ कर दो, गुस्से में मुझे अंदाजा नहीं रहा कि बात किस रुख पर निकल गई है। माजरत, मैं क्या लगता है आज़र? तुम्हारे माफी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा? एक बार नहीं, दो बार वो लड़कियां तुम्हारा ये रूप देख चुकी है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आज़र कि जिस इंसान ने मेरी इज्जत बचाई थी आज वो ही मेरी बेइज्जती का बायस बनेगा। रब से दुआ
खुशियां मिटा के सारे गम ना कर अब मुझ पे सितम कर कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम खाना लाया तुम्हारे लिए भूख नहीं है मुझे अपना ना सही हमारे बच्चे का ही ख्याल कर लो क्यों मैं क्यों करूं ख्याल क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या इस घर में किसी फर्द की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरी खुशी का ख्याल रखे तुम्हारा रवैया इतना अजीब हो गया अम्मा का रवैया पापा का मूड अम्मा की हरकतें मैं सबको झेल के मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ आज़र तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक निवाला भी मेरे हालत से ढंग से उतर जाएगा